नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं भूपेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर बस्ती से है, जहां पर दबंगों के आगे राजस्व विभाग की टीम दुम दबाकर भागने को मजबूर हो गई। बताया जा रहा है कि शिकायत पर धारा 24 की पैमाइश करने पहुंची थी टीम, मगर कुछ लोग इसका विरोध करने लगे। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ भिड़ गए। दबंगों के विरोध के चलते राजस्व विभाग की टीम पैमाइश छोड़कर बैरंग लौट गई। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दबंगों के सामने राजस्व विभाग की टीम को वापस लौटना पड़ गया। ये बस्ती की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर शिकायत पर धारा 24 की पैमाइश करने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन वहां पर इस तरीके के हालात का सामना करना पड़ गया। लखीमपुर खीरी में जिले में सारस की संख्या में इजाफा हुआ है। अब सारस की संख्या बढ़कर 231 हो गई। पिछले दो दिनों से सारस की गणना की जा रही है। जिले के 3 वन प्रभागों में एक साथ 4-4 पालियों में सारस की गणना चल रही है। इस बार गणना में 231 सारस पाए गए हैं, जबकि पिछले साल हुई गणना में सारस की संख्या 139 थी। इस बार 92 सारस बढ़ गए। तो सारस की संख्या बढ़कर 231 हो गई। पिछले साल की संख्या 139 थी। पिछले साल की तुलना में 92 सारस बढ़े हैं और इससे वन विभाग में खुशी। कन्नौज में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने एक कारोबारी के परिवार को बंधक बना लिया, लूट की वारदात को अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाश ने कारोबारी के घर पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान बदमाश लाखों की डकैती डालकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई चल रही है। उधर कन्नौज में पूर्व प्रधान की हत्या में फरार चल रहे आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधियों को पुलिस की गोली लग गई, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल आरोपियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। वही रायबरेली की बात करें तो यहां पर फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। ये गिरोह फर्जी वेबसाइट के लिए जरिए लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 9.25 लाख रुपए कैश बरामद हुए। गिरोह के सदस्य पटना के रहने वाले हैं। वही नोएडा में लुटेरों का आतंक है। लुटेरों के आतंक की एक और तस्वीर सामने आई है। बाइक सवार लुटेरे महिला से दिनदहाड़े मोबाइल लूटकर फरार हो गए। ये मामला थाना 24 इलाके का बताया जा रहा है। इस दौरान महिला काफी दूर तक घसीटते हुई गई, जिससे महिला को चोटें भी आई हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े महिला से लूटपाट हुई, महिला का मोबाइल लेकर फरार हो गए बदमाश। और इस तरीके की घटनाएं लगातार नोएडा में हो रही हैं, जिनका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बकरीद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सहारनपुर में बकरीद पर ईदगाह में नमाज अदा की गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। उधर सोनभद्र में बकरीद पर नमाज अदा की गई। बकरीद पर मुस्लिम समुदाय के लोग कुर्बानी देकर एक दूसरे से गले मिले। तो देखिए दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली सहारनपुर की तस्वीर है, दूसरी सोनभद्र की तस्वीर है। तो बकरीद पर नमाज अदा की गई और धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। और बकरीद पर्व को लेकर अलर्ट है। पुजावस्ती में पुलिस अधिकारी अलर्ट पर हैं। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों को शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने का संदेश दिया गया है। बकरीद पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट है और सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो जो संवेदनशील जगह है वहां पर विशेष निगरानी पुलिस बरत रही है और जगह जगह कॉम्बिंग हो रही है, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार को मनाया जा सके। अमरोहा में स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स कार के बोनट पर बैठकर स्टंट कर रहा है। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि इस तरह की स्टंटबाजी न सिर्फ जानलेवा हो सकती बल्कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। लेकिन जो लोगों को नशा इस वक्त चढ़ा हुआ है रील्स का,
उसमें लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आ रहे। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कार की बोनट पर बैठकर स्टंटबाजी की गई और अब उसका वीडियो वायरल, खतरनाक हो सकती है इस तरीके की स्टंटबाजी, लेकिन लोग अपनी जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। बीमारवी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर सहारनपुर के देवबंद में हमला हुआ। जानलेवा हमले में चंद्रशेखर घायल हुए। चंद्रशेखर अपनी फॉर्च्यूनर कार से देवबंद दौरे पर पहुंचे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली उन्हें छूकर निकल गई जिससे वो घायल हो गए। चंद्रशेखर की कार पर गोलियों के निशान भी साफ नजर आ रहे हैं। एसपी देहात का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद देवबंद की गांधी कॉलोनी में किसी के पास मिलने गए थे। वहां से निकलते समय दो युवकों ने उन पर फायरिंग कर दी जिसमें छर्रे लगने से चंद्रशेखर जख्मी हो गए। हमलावर एक कार में सवार होकर फरार हो गए। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आजाद जिन पर हमला हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि गोली छू कर निकल गई, क्योंकि आप देखिए कमर के पास गोली लगी थी और अगर वो गोली शरीर में धंसती तो बड़ी मुश्किल की स्थिति बन सकती थी, चिंताजनक स्थितियां बन सकती थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यही रही कि इस ताबड़तोड़ फायरिंग में चंद्रशेखर को गोली छू कर निकल गई और उनको फौरन अस्पताल में ले जाया गया और उनका अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन वो सुरक्षित है। और बिजली कटौती को लेकर झांसी में लोगों ने प्रदर्शन किया। तहसील मऊरानीपुर में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। किसानों के साथ कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। किसानों का कहना है कि लगातार बिजली कटौती हो रही है जिससे उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मऊ पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के पास से 1.5 लाख रुपए और ब्लैंक चेक बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त की है। इसके साथ ही इनके पास से कई अभ्यर्थियों के मार्कशीट भी बरामद हुए हैं। तो सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने मौके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए हैं। पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तो सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने मौके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त किया है। सॉल्वर गैंग के 4 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। एक परीक्षा में गैंग जो सॉल्वर गैंग है उसके जो सरगना है उसके संदर्भ में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ जिसमें मुखबिर खास के हमने सहायता से भैसोड़ा मोड़ पर हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर जो मिला है वो देखिए, एक तो 67 मार्कशीट हैं जो जिसमें हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट हैं और 2 GPS हैं, 2 नकल कराने के जो डिवाइस होते हैं वो हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कपड़ों के सहारे लाल और काली बनियान के सहारे मोम से चिपका हुआ तार मिला था जिसमें, और 1 जोड़ा माइक्रोफोन है और 1 CMO की मोहर है जो कि इलाहाबाद के CMO इलाहाबाद की मोहर है इनके पास। 3 आदद जो है इनके पास सिल्वर आयोडाइड बैटरी हैं मिली हैं और 1.5 लाख रुपया जो है वो नकद मिला है इनसे। और अब बात करते हैं गोंडा की, जहां पर शादी समारोह में खुलेआम हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स शादी समारोह के दौरान फायरिंग कर रहा है। युवक का नाम अक्षय सिंह बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। देखिए तस्वीर दिखा रहे, गोंडा की तस्वीर है। खुलेआम हर्ष फायरिंग हो रही है और अब ये वीडियो सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से देश भर में हर्ष फायरिंग में दुखद घटनाएं हुई हैं, कई बार कई लोगों की जान भी चली गई, लेकिन मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये तस्वीर गोंडा की है जहाँ पर अक्षय नाम के युवक ने जमकर हर्ष फायरिंग की। वीडियो जो है फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में इसको प्रकरण को संज्ञान में लिया गया है प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज के द्वारा। ये जो इस युवक की पहचान की गई है 20 वर्षीय युवक है और इसके खिलाफ धारा 9/25 का भी पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
उधर मौसम का मूड भी बदल गया है। नोएडा में बारिश हुई जिस वजह से शहर में जहां तहां जलभराव की स्थिति है। बारिश की वजह से एक तरफ मौसम सुहाना है तो दूसरी तरफ ऑफिस के लिए निकलने वाले लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए तस्वीर नोएडा की दिखा रहे हैं जहां पर मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। जोरदार बारिश हुई और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा की। उधर गोरखपुर में महिला का हथियार लहराते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक महिला पिस्टल लहरा रही है और वो फायरिंग की कोशिश कर रही है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और दंपति को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। तो आपने तस्वीर देखी और चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में महिला का जो लड़ाते हुए हथियार लहराते वीडियो हमने आपको दिखाया। आप कानपुर की बात करते हैं। कानपुर में भाजपा के वार्ड पार्षद अभिनव शुक्ला की दबंगई देखने को मिली है। अभिनव शुक्ला ने अपने साथियों के साथ दबंगई दिखाई। आरोप है कि उन्होंने पशुपति नगर सब स्टेशन में हंगामा की, मारपीट की। आरोप है कि पेड़ काटने के लिए जबरन बिजली कटवाई गई। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा के वार्ड पार्षद अभिनव शुक्ला की दबंगई सामने आई है। आरोप है कि पेड़ काटने के लिए यहां पर जबरन बिजली कटवा दी गई। चित्रकूट में इटावा सफारी पार्क में तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद इस तेंदुए को रानीपुर टाइगर रिजर्व के चौरी जंगल में छोड़ दिया गया। इससे पहले भी रानीपुर टाइगर रिजर्व में कई तेंदुए छोड़े गए। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं इटावा सफारी पार्क से तेंदुए के रेस्क्यू की तस्वीरें। ये तेंदुआ है जिसको रेस्क्यू करके एक बार फिर से चौरी जंगल में छोड़ दिया गया है। उधर ग्रेटर नोएडा में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक पैर फिसलने की वजह से तालाब में गिर गया था जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में काफी मशक्कत के बाद उसका शव बरामद किया। हादसे से युवक के परिवार में मातम का माहौल है। ग्रेटर नोएडा में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। आप देख रहे हैं किस तरीके से तालाब में युवक डूबा। तो वहां पर जो टीम थी पुलिस की उसे बुलाया गया, प्रशासनिक अमले को बुलाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। झांसी में पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की। थाने में रखी अवैध शराब को नष्ट किया गया। इस दौरान करीब 3500 लीटर शराब को जेसीबी से नष्ट कर दिया गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान सीओ सदर भी वहां पर मौजूद रहे। तो देखिए झांसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया है। 3500 लीटर ये शराब थी जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसे नष्ट किया गया है। झांसी में पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की। थाने में रखी अवैध शराब को नष्ट किया गया और इस दौरान करीब 3500 लीटर शराब को जेसीबी से नष्ट कर दिया गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान सीओ सदर भी मौजूद रहे थे। गोंडा की बात करते हैं। गोंडा में जमीन के विवाद को लेकर दो गुटों में मारपीट हुई। इस दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे साफ देखा जा सकता है कि इनके बीच कैसे लाठी डंडे चल रहे हैं। ये मामला धानेपुर थाना इलाके का है। वही पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से बिजनौर में गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया। गंगा नदी अपने किनारों को छूकर बह रही है। ऐसे में ग्रामीणों को बाढ़ का खतरा सता रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गंगा किनारे पर लेखपाल की ड्यूटी लगाई है। साथ ही ग्रामीणों से कहा गया है कि वो अभी गंगा नदी के किनारों से दूर रहे। तो तेजी से कटान हो रहा है और ग्रामीणों को अब डर सता रहा है कि ये जो गंगा का रौद्र रूप है ये कहीं उनके लिए एक बार फिर से हर साल की तरह मुश्किल ना बन जाए। उधर शामली के कैराना में ओवरफ्लो होकर छोटी नहर की पट्टी टूट गई जिस वजह से करीब 150 बीघे फसल जलमग्न हो गई। किसानों के खेतों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेतों में पानी भर जाने से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शामली की जहां पर झील की मेड़ टूट गई और उससे खेतों को नुकसान हो गया। करीब 150 बीघे में लगी फसल पानी की चपेट में आ गई। पानी फैलने से धान और गोभी की फसल बर्बाद हो गई है।
उधर कोटद्वार में स्टेशन रोड के पास एक मकान गिर गया। अचानक एक बिल्डिंग बाहरी हिस्सा टूटकर बिखर गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया। हालांकि दीवार गिरने से दो बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। नगर आयुक्त वैभव गुप्ता ने बताया कि गिरासु भवनों को लेकर मकान मालिक को नोटिस दिया गया है, जबकि कुछ गिरासु भवनों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कुरियर पुरानी फाइल है वो निकाल के वो चेक करिए, तो कई लोगों को जो गिरासु भवन के स्वामी हैं उनको पूर्व में भी नोटिस जा चुके हैं, कईयों का जवाब भी आया। कुछ के मैटर कोर्ट में लंबित है तो उस कारण से कुछ कार्रवाई नहीं हो सकी है, पर जिनके मैटर कोर्ट में लंबित नहीं है और जिनकी तत्काल कार्रवाई हो सकती है उनको पुनः, क्योंकि नोटिस दिए हुए काफ़ी समय हो गया है, पुनः उनको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद फील्ड से रिपोर्ट आने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कुछ में प्रकरण ऐसा है कि मकान मालिक को तो नोटिस चला गया है बट उनके किराएदार वहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे केस में जो किराएदार है उससे भी वार्ता की जाएगी और उसके बाद तत्काल ही उन भवनों को या तो पहले मकान मालिक को किराएदार को नोटिस दिया जाएगा। यदि वो स्वयं हटा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर हम उसे खुद उठाएंगे और जो भी उसका जो उस पर जो व्यय आएगा वो उन्हीं से वसूल किया जाएगा। हमने अपने जो जेई हैं और अपने वर्क एजेंट को वहाँ मौके पर भेजा है, तो अभी जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है अग्रिम कार्रवाई उसके आधार पर की जाएगी और अभी उसको मकान मालिक को पुनः नोटिस भेजा जा रहा है उसी संबंध में, क्योंकि पहले दिया गया था और उनके द्वारा कार्रवाई उन्हीं के स्तर से लंबी थी बट उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। तो अभी नहीं रोकी, बिल्कुल अभी अभी हमारे जो फील्ड पे जो टीम है अभी अभी गई है, जैसी रिपोर्ट आती है अगली अग्रिम कार्रवाई उसके बाद होती है। बद्रीनाथ धाम के बारे में हर कोई जानता है, मगर क्या आप भविष्य बद्री के बारे में जानते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य की भविष्यवाणी थी कि बद्रीनाथ में जिस जगह पर भगवान विष्णु की पूजा की जा रही है वो जगह विलुप्त हो जाएगी, लिहाजा आने वाले समय में भविष्य बद्री में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। बद्रीनाथ धाम जहां साक्षात भगवान विष्णु विराजते हैं। भगवान विष्णु का ये धाम देश के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। मगर मान्यता है कि आने वाले वक्त में भगवान बद्री विशाल श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो आखिरकार श्रद्धालु भगवान के दर्शन कहां करेंगे? इसी को लेकर एबीपी गंगा पहुंचा है जोशीमठ में एक ऐसी जगह पर जहां पर इस मान्यता का जवाब भी मिलेगा और उसकी कहानी भी समझ आएगी। सवाल यह है कि अगर भगवान बद्री विशाल विलुप्त हो जाएंगे तो सैकड़ों सालों बाद वो दर्शन कहां देंगे? आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्री विशाल मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि उस दौरान ही उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी भी की थी। आदि गुरु शंकराचार्य की भविष्यवाणी थी कि बद्री धाम में जिस जगह पर भगवान विष्णु की पूजा की जा रही है वो जगह विलुप्त हो जाएगी। मेरे सामने की जो हकीकत है, जो सत्य है, वो ये है कि आप जिस इस वक्त जहाँ पे खड़े हुए हैं ये स्थान भगवान भविष्य बद्री के नाम से है और यहाँ पर जो है विष्णु भगवान का स्वयं अपने आप में उत्पन्न होना, ये सबसे बड़े अचंभ की बात है यहाँ पर कि भगवान यहाँ स्वयं अपने आप में प्रकट हो रहे हैं। तो वैसे एक इतिहास के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि ये जो इस उत्तराखंड में जो भी ये तीर्थ धाम हैं ये हमारे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की खोज और उन्हीं की स्थापना है, लिहाजा आने वाले समय में भविष्य बद्री में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। यहाँ जो भी स्वरूप भगवान का बन रहा है वो अपने आप ही बन रहा है, यहाँ किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करा, तो यहाँ जो भी देवी देवता भगवानों के अवतार हो रहे हैं वो सब आप लोगों के बिल्कुल ठीक सामने हैं, आप लोग बहुत ही प्रेम और लगन लगाकर इसके दर्शन करें। मान्यता ये भी है कि 2013 में केदार घाटी में आई आपदा के बाद से ही भविष्य बद्री में भगवान की प्रतिमा बननी शुरू हो गई है। मंदिर के पुजारी का दावा है कि ये मूर्ति यहाँ खुद से बन रही है। यहाँ
देखिए यहाँ पर ये भगवान का जो है यहाँ पर ये दर्पण बन रहा है अभी, ये भगवान का दर्पण है यहाँ पर। देखिए ये ऊपर से शीशा रहा है, ये मस्तक है भगवान का जो यहाँ पर घट हो रहा है। ये नेत्र है, एक नेत्र ये है, ये दोनों नेत्र यहाँ आ रहे हैं भगवान के, और ये दर्पण अभी बन रहा है भगवान का। यहाँ पर भगवान जो है पद्मासन में बैठ के भजन कर रहे हैं पद्मासन। देखिए ये हाथ आ रहा है, ये हाथ के पंजे उंगली और अंगूठों का निशान है, ये बिल्कुल गोल घुटना है, देखिए मुड़ा हुआ जो भगवान हाथ रख के बैठे हुए। भविष्य बद्री आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की भी मान्यता है कि भविष्य बद्री की मूर्ति खुद आकार ले रही है। भगवान विष्णु के आकार अपने आप ही उत्पन्न हो रहा है, जो कि न किसी द्वारा बनाया गया है न कुछ। कहते हैं कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो बिल्कुल बहुत कम था उस पर आकार, आज जैसे हम बड़े बड़े होते गए वैसे ही भगवान का भी आकृति बड़ा बड़ा होते गया है। मान्यता है कि नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा। तो क्या पौराणिक मान्यता सही है और क्या बद्री विशाल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।